हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू जेसिके चैनल ज्योतिका। मैं ज्योतिका अगेन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, मैं आज आप लोगों को फुटवेयर दिखाने वाली हूँ जो कि कुछ मीशो से भी है, फ्लिपकार्ट से भी है, जिससे भी है। अगर मीशो से होगी तो उनका कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर फ्लिपकार्ट या अदर ऐप से होगी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ फुटवेयर मैंने अभी ऑर्डर की है रिसेंटली, और कुछ मेरे पास काफ़ी समय पहले से भी है, तो मैं दोनों ही आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ मेरे चैनल पे चल रहा है मेरा चैनल पे सेकंड गिव अवे। उस भी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका थंबनेल यहाँ अटैच कर दूंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लिंक से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, रूल्स समझ सकते हैं, उन्हें फॉलो करके मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करती हूँ, आइए मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेकंड गिव अवे का रिजल्ट मैं कब अनाउंस करूँगी ये आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगी, तो तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोज़ को इंजॉय कीजिए। तो आइए फटाफट से कलेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वो फुटवेयर दिखाऊंगी जो मैंने रिसेंटली मंगाई है, इसके बाद जो मेरे पास पहले से है वो भी दिखाऊंगी, तो आपको एक आफ्टर यूज़ रिव्यू भी मिलेगा कि वो मैं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ख़राब नहीं हुई है या क्या है, वो सब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले जो अभी फुटवेयर मंगाई है उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ, उसका इमेज यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। ये फुटवेयर जो है वो दीबा ब्रांड से है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। इसमें आपको और सारी वेराइटी भी मिल जाएगी, थोड़ा इसी पैटर्न में अलग अलग वेराइटी बताऊंगी कैसे। ये कुछ इस तरह से है, इसमें आपको आई थिंक दो कलर और मिल जाएंगे, बट मुझे ये ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया है। ये कुछ इस पैटर्न में है, यहाँ पर आगे की तरफ जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है। इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को देखने पे भी समझ में आ रहा होगा कि इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जो है इसमें पीछे इस तरह से चेन वाला पैटर्न है, चेन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कुछ इस तरह से इसमें आप लोगों को अलग अलग वेराइटी मिल जाएगी। जैसे ये पूरा फिलअप टाइप में है, यहाँ पे इमेजेस लगा दूंगी तो आप वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मुझे जो साइज़ आता है वो इंडियन में 7 नंबर और यूरो में 40 नंबर आता है, ये मैंने सेम मंगाई थी 40 नंबर, यहाँ पर इसी से ऐसा हल्का सा प्रिंट है, बट ये मुझे थोड़ी सी टाइट है, तो आप अगर अपने लिए ऑर्डर करें तो एक साइज़ अप मंगाइएगा, अगर आपको 7 आता है तो 8, 5 आता है तो 6, इस तरह से, क्योंकि शायद इसका पैटर्न ऐसा है, यहाँ से थोड़ी सी पतली है, इस वजह से मुझे ये चेन जो है अच्छे से नहीं लग रही है, तो मैं इसको एक्सचेंज करा के एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करूँगी। तो आप इसमें एक साइज़ अप लीजिएगा, इसका पैटर्न बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद जो सेकंड मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो पैरागॉन की है, कुछ इस तरह के बॉक्स में आई है, सभी अच्छे से जो है वो पैकेजिंग होके आई थी, इसके बाद इस तरह से एक और बॉक्स में रखी हुई है पैरागॉन। ये सैंडल टाइप में है, कुछ इस तरह से है, ये टीनेजर्स गर्ल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं शादी से पहले इसी तरह की सैंडल्स पहनती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बट इसमें भी जो है वो मैंने 7 नंबर ऑर्डर किया था, ये भी मुझे थोड़ी टाइट आई है, तो इसमें भी आप एक साइज़ अप लीजिएगा। इसमें इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है, और आगे इसका सोल कुछ इस तरह से है, तो ये भी पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जितनी भी मुझे आई है ना, मुझे थोड़ी सी टाइट है, बाकी मुझे आ गई थी ये, तो इसमें भी मुझे अपने लिए एक साइज़ बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वाला फुटवेयर मंगाते हैं तो एक साइज़ बड़ा ही ऑर्डर कीजिएगा। इसके बाद जो थर्ड सैंडल मैं दिखाने वाली हूँ उसका इमेज यहाँ अटैच कर रही हूँ, मैंने ये वाली ऑर्डर की थी पर मुझे कुछ और ही रिसीव हुआ है।
ये जो है ये शूटोपिया ब्रांड से है। ब्रांड तो वही रिसीव हुआ है जो मैंने ऑर्डर किया था, बट मुझे जो फुटवेयर है वो कोई और से रिसीव हुए हैं कुछ इस तरह से। ये तो मुझे मतलब मिल भी नहीं रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च कर चुकी हूँ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप में तो मिले हैं, बट इस तरह का फुटवेयर वहाँ नहीं मिला है। अगर मिलता है तो इसका लिंक दे दूँगी, बट इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। इसमें मैंने अपने लिए पता नहीं उसमें कौन सा ऑर्डर किया था, बट ये मुझे 41 जो है वो रिसीव हुआ है। इसमें कुछ इस तरह से हुक आएगा, इस हुक को आपको नहीं, यहाँ पे जो है लास्टिक भी लगी हुई है बहुत छोटी सी, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जस्ट पैर डाल के इसको थोड़ा सा पुल अप करेंगे ना, तो ये आपके पैर में आसानी से आ जाएगी। इसमें कुछ इस तरह से पैटर्न है, बेली कम सैंडल टाइप में है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका सोल भी कुछ इस तरह से है, क्वालिटी अच्छी है, लग भी सुंदर रही है। बट मैंने जो ऑर्डर किया था उसके डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रिसीव हुई है। वो कुछ इस तरह के बॉक्स में आए हैं। एक्चुअली ये बॉक्स पूरा दब गया है, ये इसके बाद एक पॉली बैग में भी आए थे, उसके बाद उसके अंदर से ये बॉक्स निकला था। ये फुटवेयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो बट इसमें मैंने अपने लिए 40 साइज़ ही ऑर्डर किया था, बट मुझे इसमें जो है वो 30 रिसीव हुआ है, 38 रिसीव हुआ है। बट इसकी क्वालिटी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये ब्लैक कलर में है। इसमें आपको आई थिंक और कलर भी मिल जाएंगे, उन सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी। सबके जो प्राइस है, मैंने इन्हें कितने प्राइस पे ऑर्डर किया है, सबका इमेजेस के साथ उनका प्राइस भी लिख दूंगी। ये कुछ इस तरह से है, इसमें ऑलरेडी सिलाई जो है वो लगी हुई आई है चारों तरफ। जब हम कोई भी फुटवेयर सैंडल कुछ भी लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सिलाई पहले लगवा ले, ताकि है ना फुटवेयर ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, तो इसलिए। लेकिन इसमें पहले से लगी आई है तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो अंदर का पार्ट है वो थोड़ा फ्लफी टाइप में है, एंड इस तरह से पैटर्न मिलेगा आपको पहनने के लिए। ये वाला स्टिकर टाइप में मिलेगा, स्टिक हो जाएगा, और पीछे से ये कुछ इस तरह से है। इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, बट ये तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 ही साइज़ आता है और 38 मुझे रिसीव हुआ है, तो ये कैसे भी नहीं आ रहा है। बट ये कुछ इस तरह से है, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, पहनने के बाद कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह के फुटवेयर भी आप कहीं पे भी पहन सकते हैं, कितने भी लंबे समय के लिए पहन सकते हैं। जो हील्स वाले रहते हैं वो ज़्यादा समय के लिए नहीं पहने जा सकते, जहाँ दिन भर रुकना हो, जिन्हें आदत रहती है वही पहन सकते हैं। बट ये इस तरह के फुटवेयर जो है वो कितने भी लंबे समय के लिए पहने जा सकते हैं। इसके बाद अब मैं वो फुटवेयर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं ऑलरेडी कई टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जो फिफ्थ में फुटवेयर दिखाने, सैंडल ही है, सैंडल टाइप में वो मैं दिखाने वाली हूँ। वो बाटा की सैंडल है, इमेज यहाँ अटैच कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और यूज़ करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ इस तरह से है, ये पहनने पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसलिए जो मैंने सबसे फर्स्ट वाला दिखाया था, इसी थोड़ा, वो बाटा की नहीं है बट पैटर्न थोड़ा इसी टाइप में है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। इसमें मैंने अपने लिए 6 नंबर ऑर्डर किया था। आप देख लीजिएगा, जैसे आप, अगर आप लोगों को 40 नंबर आता है तो 40 नंबर कभी 6 में भी रहता है, कभी 7 में भी रहता है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही देख के कीजिएगा। बट मैं यहाँ बता दे रही हूँ, जो मुझे 7 होने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसमें आप एक साइज़ ऊपर ही जाइएगा। ये कुछ इस तरह से है पैटर्न, पूरा जाली वाला, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सच में ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। मेरे जो ट्राई ऑन हॉल रहते हैं नॉर्मली, उसमें भी मैं यही सैंडल पहनकर ही शूट करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आगे से जो इसका ये पैटर्न बना है, ये लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है। इसमें भी चेन इस तरह से है, ये 2 साल हो गए हैं इसलिए ये थोड़ी सी जाम हो गई है, अब जाके हुई है, बट अभी भी ख़राब नहीं हुई है, थोड़ी सी जाम हो गई है, तो इसमें वैक्स वगैरह लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगी।
इसमें भी कुछ इस तरह से पैटर्न है। ये यहाँ पे बकल टाइप में दिए हुए हैं, बट इन्हें खोलने की नीड नहीं होती है। इसी को आप जस्ट खोलिए और वेयर करके इसको क्लोज कर लीजिए। इसकी हील्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ इतनी हील्स है, एक फ्लैट कम हील्स टाइप में है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर ये अवेलेबल होती है तो। इसके बाद जो मैं सैंडल दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, फ्लिपकार्ट पे भी, मीशो पे भी, सभी जगह काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। कुछ इस तरह से इसमें अलग अलग कलर मिल जाएंगे, एक पीच कलर है, ब्लैक कलर है, और एक ब्लू टाइप में है, एक ये मरून टाइप में है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर आप लोगों को मिल जाएंगे। मुझे ब्लैक ब्लैक सैंडल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसे मरून में ऑर्डर किया था। ये ज़्यादा पहले नहीं मंगाई है, ये मैंने मंगवाई है आई थिंक 3 to 4 months पहले। तो बट ये पहन काफ़ी ज़्यादा ली है, तो इनका भी आफ्टर यूज़ रिव्यू एक तरीके से ही दे रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है पहनने के बाद, और लगती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे तो इसमें सिलाई डलवा सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए करना है, बट इसको मैं काफ़ी ज़्यादा पहन चुकी हूँ, बट अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई है। ये वाला जो पार्ट है ये इलास्टिकेटेड है, बट ये इलास्टिकेटेड नहीं है। इसको कहीं से भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जस्ट आप वेयर कीजिए, इस तरह से ये आ जाती है आपके पैर में फिट। इसमें मैंने अपने लिए 40 साइज ही ऑर्डर किया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इसमें 40 साइज ही ऑर्डर किया है। इसके बाद जो दिखाती हूँ आप लोगों को सैंडल, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी ये, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, शॉपसी पे भी मिल जाएगी, और मीशो पे भी मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। इमेज यहाँ लगा रही हो, इसमें कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, कई सारे पैटर्न अवेलेबल है आप लोगों को, कोई सा भी पैटर्न का ऑर्डर कर सकते हैं। पैटर्न भी यहाँ पे लगा दूंगी अलग अलग। ये कुछ इस तरह का फुटवेयर है, इसमें यहाँ पे ये जो है वो मेश की डिटेलिंग है, इसके बाद ये इलास्टिक पैटर्न है, और कुछ इस तरह से इसको भी जस्ट वेयर कीजिए, ये आसानी से आ जाएगी। इसमें मैंने अपने लिए 41 जो है नंबर ऑर्डर किया हुआ है, साइज 7 में 41 होगा। इसके बाद मैं इसमें सिलाई लगवा चुकी हूँ, इसमें सिलाई ये जो है चारों तरफ लगी नहीं आई थी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इसमें सिलाई लगवाई थी। इससे मजबूती आ जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, और काफ़ी लंबे समय के लिए फुटवेयर चल जाते हैं। मैंने इसलिए लगवा ली क्योंकि ये जो इसका सोल है ये थोड़ा सा हैवी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो इसके साथ ये निकल जाए, तो इसलिए लगवाई है। बट अगर आपको नीड लगे तो लगवाइएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद मैं लास्ट फुटवेयर जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने आजियो से मंगाई थी, एक्स्ट्रा डॉक्टर सॉफ्ट शायद इनका जो है वो ब्रांड है। इस ब्रांड में कई सारी फुटवेयर अवेलेबल है, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। जैसे कि मैंने बताया ब्लैक कलर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसको न्यूट कलर में मंगवाया है, या बेज कलर बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से फुटवेयर है इसमें। ये भी इसको भी 3 to 4 months हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये तो मैं वॉक करने जाती हूँ तो भी इसको वेयर करके जाती हूँ। ये कुछ इस तरह से पैटर्न है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इलास्टिक वाला पार्ट है, तो इसको जस्ट आप यू पुल करते हैं तो पैर में आ जाती है, पीछे से कुछ इस तरह से पैटर्न है। इसमें आप लोगों को पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। इसका सोल कुछ इस तरह से थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, वॉश नहीं की थी। तो ये फुटवेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको रेगुलर बेस पे पहनना है, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसमें से जो कुछ फुटवेयर है वो पार्टी फंक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कुछ फुटवेयर जो है वो डेली बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो सभी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पर चल रहा है मेरा सेकेंड गिव अवे, अगर आपने उसमें अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये
मैंने थंबनेल स्टार्टिंग में ही अटैच कर दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके रूल्स को समझ सकते हैं, रूल्स को फॉलो करके मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल पे इनवाइट करके उसमें पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखते रहिए, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।